गुड़ के चुनावी मैदान में प्रताप सिंह का आगमन, विधायक बनने की चाह में। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही गुड़ विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में एक उद्यमी और युवा प्रत्याशी प्रताप सिंह की उम्मीदें बढ़ रही है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच एक मजबूत मुकाबला देखने का दृश्य दिख रहा है और अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। गुड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने 25 वर्षीय युवा प्रताप सिंह को चुनावी टिकट दिया है और अब प्रताप सिंह गुड़ के लोगों के आशीर्वाद और समर्थन के साथ उम्मीदवारी का संघर्ष कर रहे हैं। एक और नागेंद्र सिंह हैं जो गुड़ से भाजपा के विधायक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कपिल ध्वज सिंह हैं जो कांग्रेस की टिकट से मजबूत दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में भाग ले रहे हैं। इस समय गुड़ के लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा दल उनके लिए सबसे अच्छा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रताप सिंह का आगमन इस चुनावी मैदान को और रोचक बना रहा है। वे अपने समर्थनकर्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य है गुड़ के स्थानीय स्तर पर विकास को प्राथमिकता देना, जैसे कि रोजगार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, बेहतर स्कूल और शिक्षा, बिजली, सड़कों का निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। वे यकीन दिलाते हैं कि विधायक बनने के बाद वे इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कठिन प्रयास करेंगे। अब हमें देखना होगा कि क्या गुड़ में कमल का झंडा फिर से लहराता है या क्या कांग्रेस का पंजा दिखाता है या फिर स्वपरिणाम में आम आदमी पार्टी की झाड़ू बनती है। यह गुड़ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस चुनाव में वे अपने विधायक को चुनने का अवसर पाएंगे और उन्हें अपने समृद्ध और विकास के लिए उम्मीदवार का चयन करना होगा। प्रताप सिंह के आगमन के साथ गुड़ के लोग एक महत्वपूर्ण चुनावी संघर्ष के साथ हैं और इसे निर्धारित करने के लिए विचार कर रहे हैं कि कौन उनके समृद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रखर प्रताप सिंह गुड़ प्रत्याशी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर प्रताप सिंह है। मैं रायपुर करछुलियान का निवासी हूं और जैसा कि आप सब अब जान चुके होंगे कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे गुड़ विधानसभा 75 का प्रत्याशी बनाया है, तो सबसे पहले मैं केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद कहता हूं और डॉक्टर संदीप पाठक जी एवं महोदया श्रीमती रानी अग्रवाल जी का तहे दिल से आभारी हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गुड़ क्षेत्र मेरा घर है, वहां मेरा अधिकार है और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरे परिवार के बारे में, क्योंकि आप लोग, कई लोग उस क्षेत्र से आते भी हैं और आपका अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी राजनीति में ये जो कदम मैंने बढ़ाया है उसका रीज़न क्या है। मेरे बब्बा जी श्री निर्मल सिंह जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पीढ़ियों से उनके मार्गदर्शन में मेरे परिवार ने जनसेवा एवं धर्म कार्यों में काफ़ी काम किया है, काफ़ी समय दिया है। हमारा परिवार गायत्री परिवार से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। मेरे बब्बा जी द्वारा कई नेत्र शिविर, नेत्र चिकित्सालय एवं गायत्री परिवार के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसी चीज़ें की गई हैं। और मैं ये भी बता दूं कि राजनीति में मेरा, हमारे परिवार का कोई अनुभव नहीं है, मगर राजनीति का मतलब ही होता है जनसेवा। और जनसेवा में हमारा परिवार में और जो बब्बा जी के मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है और आज भी बिताता हूँ, तो जो मेरा ये कदम बढ़ाने का जो हौसला है वो सबसे पहले उन्हीं से आता है। यहाँ मौजूद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनूप जी, नरेश त्रिपाठी जी, सक्रिय कार्यकर्ता अजय सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रखर जी, जी आपने स्कूल से पढ़ाई की है जी, विदेशों में पढ़ाई की है जी, विदेशों में आपने नौकरी किया फिर जी, आपका जाना कैसे इधर राजनीति की तरफ मुड़ गया? देखिए, आपका कहना सही है क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये अचानक है,
मगर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अचानक नहीं है। 16-17 साल की उम्र से, जब 15 साल से मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, और 16-17 साल की उम्र से मैं काफ़ी चीज़ें समझने लगा था। अपने बब्बा जी के साथ काफ़ी बार रायपुर, करछुलियान और आसपास के क्षेत्र में रहता भी था। ये बात अलग है कि ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला, मगर ये तैयारी काफ़ी समय से थी। मेरा जन्मदिन कुछ महीनों पहले ही बीता है, जिसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे 25 साल की उम्र मेरी हुई है, और 25 साल की उम्र, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भारत की नागरिकता आवश्यक होती है इस मंच में सामने आने के लिए। तो उसको पूरी करने की वजह से अभी मेरा चेहरा कैमरे के सामने है, मगर मेरा घर गुड़ विधानसभा ही है। तो उस मामले में मैं, ये कोई अचानक नहीं है, काफ़ी समय से 25 साल की उम्र का बेसब्री से इंतज़ार था, और आम आदमी पार्टी ने मेरा हाथ थामा है, हमारे संगठन ने मेरा हाथ थामा है, और अब ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है, उन नवयुवकों के लिए है, युवाओं के लिए है, जिनको मेरे जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे जैसे स्वास्थ्य, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य का हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, उन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए हमारी लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके संगठन के हम ये सिपाही हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये गुड़ के विकास की लड़ाई और संघर्ष, जो बदलाव का संघर्ष है, उसे आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।